गाइस आज हम आए हैं अंडर वाटर फिश टनल में, मतलब यहाँ पर एक फिश टनल बनाई हुई है जो कि अंडर वाटर है और अंदर जाके यहाँ पर मेला भी है। टिकट्स तो हमने ले लिए थे और मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लग गई थी। 100 रुपीस पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट है और टिकट लेकर अब हम अंदर जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ से एंट्री है और हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सामने दिख रहे हैं फिश एक्वेरियम। काफ़ी सारे एक्वेरियम बना रखे हैं और हर उसमें एक्वेरियम में अलग अलग तरीके की फिश हैं। तो सबसे पहले एंटर होते से यहाँ पे ये कलर्ड फिश दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत छोटी छोटी है। और इसी तरीके से ना बाकी दूसरे एक्वेरियम भी हैं तो इसमें दूसरे टाइप की फिश दिख रही है। और ये ना एक टनल टाइप का बना रखा है तो उसमें ना नीचे मतलब साइड में यहाँ पर एक्वेरियम बना के रखे हैं, अलग अलग एक्वेरियम हैं और सब में अलग अलग फिश हैं। देखो इस तरीके से ये लाइटिंग कर रखी है और ये टनल बना रखा है और दोनों साइड एक्वेरियम है। चलिए इस तरफ देखते हैं कौन सी वाली फिश है। देखो ये कुछ अलग सी दिख रही है, ब्लैक कलर में है। और चलो आगे देखते हैं, तो ये वाली फिश ना गोल्ड फिश है जो नॉर्मली सबके मतलब उसी टाइप की फिश है जो घरों में भी बहुत से लोग पाल के रख मतलब लेके रखते हैं ना, तो ये उसी टाइप से फिश है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। और देखो जो गोल्ड फिश मैं बोल रही हूँ ना वो ये रही, ये ना पहले हमारे घर में भी थी, मतलब हमने भी लेकर रखी थी ये वाली फिश। और ये इसी ब्लैक एंड वाइट कलर की दूसरी फिश है। तो छुट्टी वाला दिन था इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और अभी ना ये एक्वेरियम ही बना है और इसके आगे से ना मेला लगा हुआ है, मतलब जैसे जो मेला प्रॉपर होता है ना, झूले वूले लगे हैं, दुकान लगी हैं, तो वो सब है आगे। और ये जो टनल का जैसे मैंने आपको बोला ना, तो इसके आगे एक्वेरियम मतलब देखने के बाद आगे चलेंगे ना तो वहाँ पर टनल है। और ये ना काफ़ी बड़ी फिश है ये देखो, और इस तरीके से छोटी छोटी वाइट कलर की फिश भी हैं। और इधर ना इस वाले टैंक में तो बहुत ज़्यादा फिश हैं और बहुत सारे कलर की हैं। तो चलो अब चलते हैं टनल की तरफ, मतलब मैं वहाँ पर बिजी हो रही थी एक्वेरियम देखने में ही, लेकिन कपिल जब तक बोलते हैं कि चलो चलो टनल आगे है, तो ये देखो टनल कितना ज़्यादा अच्छा है। हाँ पर थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग रहा है पानी थोड़ा गंदा है, या तो हो सकता है फिश रहते रहते वो पानी गंदा ही हो गया होगा, पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना वो गंदा सा लग रहा है। बट लेकिन ना फिश ज़रूर बहुत बड़ी बड़ी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, हाँ पर बड़ी बड़ी थी। ये देखो ये पता नहीं कुछ अजीब सी ही फिश है और बिल्कुल ऐसे ही शांत चिपकी हुई है। बहुत वैरायटी की फिश यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, बहुत छोटी से लेके बड़ी तक। और बच्चों के हिसाब से ना बहुत अच्छी जगह है, मतलब बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजॉय करने में अच्छा लगेगा यहाँ पर। अगर आपको फिश देखने का शौक है या छोटे बच्चे हैं तो आप तो यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। और देखो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि पानी थोड़ा गंदा है, ये देखो यहाँ तो और भी ज़्यादा गंदा दिख रहा है, कहीं कहीं पर ठीक है और कहीं कहीं पर ना बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। और बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिश देखते जा रहे हैं, समझ तो कुछ नहीं आ रहा कि कौन सी फिश है और बस देखते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर ना कुछ लंबी सी फिश दिख रही है, ये देखो इस तरीके से वाइट मतलब सिल्वर से कलर में है और काफ़ी लंबी है ये, तो मतलब पूरी फिश एक्वेरियम में ना ये वाली सबसे अच्छी यहाँ पर लगी फिश। और बस यहाँ तक ये एक्वेरियम था, मतलब ये जो फिश टनल था, इसके बाद यहाँ से सीधे निकलकर यहाँ आ गया था मेला। तो अभी मेला स्टार्ट ही हुआ है, मतलब कुछ ही दुकान आई है, प्रॉपर तरीके से तो नहीं लगा था। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे झूले पर, झूला नहीं मतलब ट्रेन में, और ट्रेन में तो कोई अभी ज़्यादा बैठा नहीं था, मतलब हम ही बैठ गए थे और वेट कर रहे हैं भैया कब चलाएंगे। तो चलो फाइनली ट्रेन चलती है, और जब चली थी ना तो ठीक लग रहा था,
लेकिन जैसे ही उसने स्पीड पकड़ी और जो वो टर्न लिया तो उसके बाद तो ना बहुत ज़्यादा डर लगा कि कहीं ये ट्रेन पलट ना जाए। जैसे ये सीधे सीधे जा रही थी ना तो सही लग रहा था, लेकिन जैसे ये टर्न ले रही थी ना तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और डर इस बात का था कि कहीं ये मतलब डायरेक्टली पलट ना जाए वहीं से। मैंने तो बोला कि ट्रेन को रोक दो, हमें और ज़्यादा नहीं झूलना है, और मैंने कपिल से बोला, मैंने कहा एक काम करो, एक राउंड में ही हमने बोला कि रोक दो, और उसके बाद मैंने कपिल को बोला आप जाके झूल लो, लेकिन वो भैया ना सुन ही नहीं रहे थे, उनको रोकने का बोला फिर भी वो चलाए जा रहे, तो फिर भी चलो उन्होंने रोक दिया। उसके बाद मैंने कपिल को बोला कि आप जाके झूल लो, तो बस वो बैठ गया। उनको तो बड़ा मज़ा आया, तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और बस डर तो हम ही रहे थे, तो वो बैठ गए। अब और भी लोग आ रहे थे इसलिए थोड़ा सा झूला रुक गया था थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही और लोग आ गए तो उसने स्टार्ट कर दिया। So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. तो चलो ट्रेन रुक गई है और कपिल बाहर आ गए हैं, तो चलो कपिल को तो मज़ा आ गया। और उसके बाद एक बार नीचे आके मैं सारी चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से बड़ा झूला लगा था, और इन्होंने ना झूले पे लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी थी, सारे झूले पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी थी, और ये ना सबसे बड़ा वाला झूला, तो इस पे झूलना किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। मैं तो बिल्कुल कभी नहीं झूलती हूँ इस पे, छोटे में ज़रूर झूला था लेकिन अब बड़े होके ना बिल्कुल नहीं झूलती मैं। और झूले तो और भी थे और शॉप्स भी मतलब अभी प्रॉपर लगी नहीं थी, मतलब अभी ना लगना स्टार्ट ही हुआ है, तो एंजॉय कर सकते हैं आप लोग भी जाकर वहाँ पर, क्योंकि जब हम गए थे तब लगना स्टार्ट हुई थी और अब तो लग चुकी होंगी, तो यहाँ और तो कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं, तो हम घर वापस आ गए। तो कुछ इस तरीके से था ये आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में।